होके आज रात्रि में काम करो, कल दोपहर 12 बजे तक काम करो और 12 बजे से 6 बजे तक इसी जगह पे छमे रहो। किसके लिए? सनातन के लिए। किसके लिए? सनातन के लिए। किसके लिए? सनातन के लिए। कोई मैं नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई सम्मान नहीं, सिर्फ सनातन ही महान होना चाहिए। कल के लिए एक दिन के लिए सनातनी बन जाओ, एक दिन के लिए हिंदू बन जाओ, एक दिन के लिए भगवान के भक्त बन जाओ। भूल जाओ कि तुम कौन हो, याद रखो कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम सनातनी हो और अपने सनातन का कर्ज उतारने की कल बारी है। कल बारी है क्या करना? हमारी मिस इंडिया इसका तनेजा है, इन्होंने जब हमारे स्पीच को सुना है, स्पीच को न्यूज़ पे, तो इन्होंने भी निर्णय किया कि सनातन बोर्ड में हमारा सहयोग करेगी। तो एक कन्या होने के नाते इतना बड़ा साहस करने के लिए ताली बजाई। सब किसी का इतना प्रयास नहीं होता है, सब लोग भागते हैं चीजों से। आप कौन बता दें, जितने भी लोग यहाँ हैं सनातनी, 2 मिनट में एक बात कह के खत्म करूंगा। कल आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है और सनातन की लाज बचानी है या कटवानी है, ये आपके ऊपर निर्भर है, इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर निर्भर। ताली में बजाओ, ताली नहीं चाहिए। आप बताइए, ए भैया ए मोबाइल छोड़ो, 2 मिनट छोड़ दो, 2 मिनट मोबाइल छोड़ के मेरी बात सुन लो। आप बताइए, अरे बंद कर ले 2 मिनट, ये सब की जरूरत नहीं, हटा लो। हमें आपका मन चाहिए, मोबाइल नहीं। सनातन मोबाइल से नहीं बचेगा, सनातन को बचाना है तो आपके मन की जरूरत पड़ेगी, आपका मन लगना चाहिए उसको। मैं आपको बताऊं, आप सच बताओ, हमें हमारे टीवी इंटरव्यू सुने आपने, किस किस ने सुने? खजूरी खास पूछता 4 और 5 क्या बोला आपने? हमें इतना याद था खजूरी का है, मोबाइल है। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, सनातन बोर्ड आप समर्थन करते हैं?
पहले बागेश्वर बाबा भी आने वाले, आप जाएंगे? जाएंगे, सबके साथ जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर देखे सब लोग इकट्ठे आए, सब लोग सनातन मोड़ का कथन कर रहे हैं। देवकी नंदन महाराज जी का कथन समर्थन करते हैं आप? देवकी नंदन महाराज जी का समर्थन करते हैं आप? हिंदू सनातन मोर का कथन उठाया है, पूरा समर्थन है सारे देशवासियों का, विशेषकर उन आदमियों का जो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर चाहे कब्जा कर ले, ये उचित नहीं है। इसलिए देवकी नंदन ठाकुर जी का समर्थन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए यहाँ पर आप लाइव शोभा यात्रा जो हम दिखा रहे थे, अब हमने लाइव बंद कर दिया। यहाँ पर सभी लोग आए हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का दर्शन करने के लिए, चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों, सभी लोग एक बार दर्शन करना चाहते हैं। और ये जो विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और ये माता है हमारे देश की देवकी नंदन महाराज जनार्दन बोर्ड के बनाने के लिए। Oh,
I'm gonna go to the bathroom.
Thank you.
आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में महिलाएं कलश लेकर पूरी यात्रा करके वापस उसी स्थान पर आ चुकी हैं जहां पर उनको आना था। और आगे आगे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जा रहे हैं। देखिए ये भगवा झंडा, देखिए श्री राम नाम का झंडा, देखिए आप कितना विशाल झंडा है ये, जिसके साथ सनातन बोर्ड गठन के लिए यह कलश यात्रा निकाली गई थी। और अब यह यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी उसी स्थान पर वापस पहुंच चुकी है। और आप ये विशाल हुजूम देख सकते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के साथ। Thank you.
कैसा रहा इंटरव्यू? कैसा रहा इंटरव्यू? कल तो बागेश्वर बाबा आने वाले हैं शायद, कल बागेश्वर बाबा भी आने वाले हैं। कल बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी सुन तो रहे थे शायद, कुछ लोग कह रहे थे कि आने वाले हैं। Thank you.